आज हमारे साथ एक पेशेंट है और जिनको मैं अभी पेशेंट तो नहीं बोलूँगी, पेशेंट थे, अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अपनी जो जर्नी है, अपनी जो स्टोरी है, वो उन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में अपना परिचय से शुरू कीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार कुशवाहा है, मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचर हूँ। मुझे एक साल पहले फिस्टुला की प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने इसकी जो दो सर्जरी करवाई थी वो अलीगढ़ करवाई थी। उसके बाद मैं काफ़ी परेशान हुआ, मैं इधर उधर सर्च कर रहा था कि कैसे मुझे इस बीमारी से कैसे भी छुटकारा मिले। मैंने नेट पर सर्च किया और इसी फिस्टुला से संबंधित मैंने कई डॉक्टर सर्च किए, तो मुझे जो डॉक्टर संदीप बनर्जी का पेल्विनिक क्लिनिक जो मुझे सर्च में आया, तो मैंने इसके रिव्यू देखे। उसके बाद मैंने सोचा कि इसी हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ और देखता हूँ। तो मैंने यहाँ आकर अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर साहब ने जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया, मैंने उस हिसाब से मुझे लगा कि मेरी बीमारी यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने मुझे आधे घंटे तक पूरा रिसर्च किया, पूरी बीमारी के बारे में बताया और उसके बाद उसके बारे में पूरी डिटेल बताई कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, और उन्होंने उसके बाद मुझे लेजर सर्जरी करने का सजेशन दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जब भी मुझे बुलाया गया मैं रेगुलर यहाँ आया, तो यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ मुझे यहाँ का ट्रीटमेंट, डॉक्टर साहब का बिहेव, यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि जो भी इस तरह के बीमारी से पीड़ित हों वो यहाँ आएँ और यहाँ से ट्रीटमेंट का लाभ लें, क्योंकि यहाँ इस बीमारी का पूरा जड़ से समाप्त हो जाता है और मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ, जो एक साल से मैं बिल्कुल परेशान था। आपको कौन सा फिस्टुला था, थोड़ा सा अगर डिटेल में आप बताएं तो लोगों को समझ आ जाएगी। जी, मुझे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हुआ था और इसकी दो सर्जरी मैं अलीगढ़ पहले भी करा चुका था, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। मेरा पस बार बार डिस्चार्ज हो रहा था, इससे मैं बहुत परेशान था। मैं अपनी ना तो ड्यूटी कर पा रहा था, ना अपनी रेगुलर लाइफ जी पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहा हूँ। और किस मेथड से आपकी ट्रीटमेंट हुई है, क्योंकि फिस्टुला के कई तरह के टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं? सर ने मुझे लेजर ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया था और ये बताया था कि इसमें जो है जल्दी ही आप रिकवर हो जाएंगे और सर्जरी में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने लेजर सर्जरी को ही उचित समझा और डॉक्टर साहब का जैसा उन्होंने मुझे सजेशन दिया उसी के अनुसार मैंने काम किया। थैंक यू सो मच।